नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस व्याख्यान में एक बार फिर हम महाकवि भारवीकृत के महाकाव्य किरातार्जुनीयम पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने कोशिश की कि श्लोक संख्या 1 से लेकर 25 तक का आप सभी के लिए हम इन व्याख्यानों के माध्यम से इन श्लोकों का वर्णन करें। मित्रों, हम अभी तक 19 श्लोक जो हैं वो पूर्ण कर पाए हैं और 19 श्लोक से ही हम कोशिश करेंगे कि आज एक बार फिर दोबारा शुरू करें और आप के लिए हम इस व्याख्यान के माध्यम से आज 25 श्लोक तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सीईसी के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी तक संस्कृत भाषा और संस्कृत विषय को निपुणता से, सरलता से पहुंचाती हैं। मित्रों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का और इन श्लोकों के माध्यम से हम महाकवि भारवीकृत की किरातार्जुनीयम को समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर भाटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद गीतिका जी। दोस्तों, हमारी इस श्रृंखला में आज तक हम भारवीकृत किरातार्जुनीयम के 18 श्लोक कर चुके हैं पूरे। उसके बाद जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं 25 तक हैं, तो मैं 18 से आगे आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये किरात, या कि जिसको हम वनेचर भी कह सकते हैं, उसका वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि वनेचर को नियुक्त किया था युधिष्ठिर ने दुर्योधन के राज्य का हालचाल जानने के लिए। तो अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि वहाँ के जो दुर्योधन के राज्य के जो सैनिक हैं, क्या वो दुर्योधन के राज्य से या दुर्योधन के कार्य करने से संतुष्ट हैं या नहीं। क्योंकि इससे पूर्व हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से उसके राज्य के जो किसान हैं वो किस तरह से उससे संतुष्ट हैं, उसकी नीतियों से। तो न केवल किसान, अपितु हमें ये भी जानना आवश्यक है कि उस राज्य की जो सेना है, सैन्य बल, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य के लिए किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यही प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से मैं बताने जा रही हूं। और वो श्लोक इस प्रकार है, महोजसो मानधना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहता न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन त्यसुभिः समीहितुम्। तो यहाँ पे कवि उसके वनेचर के माध्यम से दुर्योधन के राज्य के सैनिक, सैन्य बल किस प्रकार से उसके कार्य करने से संतुष्ट है, उसके विषय में बताते हुए कहते हैं कि महोजसो, महान ओज से भरे हुए, ओज मतलब ऊर्जा, उत्साह, तो महान ओज से भरे हुए मान धना, मानवी स्वाभिमान, स्वाभिमान को ही धन मानने वाले, धन अर्चिता और धन से संतुष्ट, धन से प्रसन्न किए गए, और संयति लब्ध कीर्तयः, और युद्ध में, संयति का अर्थ होता है युद्ध, और सप्तमी है तो युद्ध में लब्ध कीर्तयः, कीर्ति यश को कहते हैं, और बहुवचन है क्योंकि बहुत सारा सैन्य बल है, तो लब्ध मीन्स प्राप्त करने वाले, तो युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले। उसके बाद कहा न संघता, अर्थात जो संघत, संघत का अर्थ होता है संगठित होना, और न संघता मीन्स जो संगठित नहीं होते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए वो कोई संगठन नहीं बनाते हैं, और न भिन्न वृत्तयः, और उनका आचरण भिन्न भी नहीं है। देखिए, विरोधी, भिन्न मीन्स विरोधी, कि राजा के विरोध में कार्य करने वाले, तो ना वो संगठित होते हैं राजा के विरोध में, और ना ही राजा के विरोध में वो अलग अलग होकर राजा का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार के कौन, धनुर्भृतः, धनुर्भृतः मीन्स धनुर्धारी योद्धा, जो धनुर्धारी सैनिक है वो प्रियाणि वांछन्ति अशुभि समीहितुम्। तो ऐसे जो सैनिक है वो अशुभि, अशुभि मीन्स अपने प्राणों के द्वारा भी क्या करते हैं, प्रियाणि समीहितुम्, प्रिय करना, वांछन्ति चाहते हैं। तो देखिए, इतने संतुष्ट है वो, और उनके जो गुण है वो देखिए, कोई सामान्य सैनिक नहीं है, बहुत ओज है उनमें। देखिए, सेना में अगर हम आते हैं तो ओज, ऊर्जा या उत्साह बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि एक भी सैनिक उत्साह रहित हो जाता है तो पूरी सेना हतोत्साहित हो जाती है। इसलिए सारे ही सैनिक महोजसो, महान ओजा
ये शाम थे जिनके अंदर बहुत महान ओज भरा हुआ है। दूसरा जो सैनिकों का गुण बताया यहाँ पे, मान धना, स्वाभिमान को धन मानने वाले। देखिए सैनिकों में स्वाभिमान होना बहुत अनिवार्य है, यदि स्वाभिमान होगा तभी तो पराजय किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए विजयी होना वो चाहेंगे तो इसलिए स्वाभिमान होना बहुत आवश्यक है जो कि सैनिकों में भरा हुआ है। दूसरा है धन अर्जिता, देखिए उन्हें धन से बहुत अधिक अर्चित प्रसन्न किया है दुर्योधन ने। दुर्योधन जानता है कि सैनिक हमारे देश के लिए इतना काम करते हैं तो उनको भी हमें संतुष्ट रखना है अगर, तो उनको कम से कम आर्थिक रूप से संतुष्ट करना बहुत अनिवार्य है। तो ये धनार्चिता जो विशेषण सैनिकों के लिए लगाया गया तो वो यही है कि वो जो सैनिक है वो उनको प्रचुर प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है दुर्योधन के राज्य में, इसलिए वो बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। और कोई सामान्य सैनिक नहीं है, वो ऐसे सैनिक है जिन्होंने युद्ध में लब्ध कीर्तया यश को पहले भी प्राप्त कर लिया है, और वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए राजा के विरोध में संगठन नहीं बनाते, न संगता और न भिन्न वृत्तया, मतलब विरोधी आचरण भी नहीं करते कि अगर संगठन नहीं बनाते हैं तो अलग अलग राजा का विरोध करके आचरण उस प्रकार से करें, ऐसे वो धनुर्भृता धनुर्धारी सैनिक नहीं है। तो इसलिए वो सैनिक जो है वो क्योंकि पूरी तरह से संतुष्ट है, ओजस्वी है, स्वाभिमानी है, तो इसलिए वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम राजा का प्रिय या हित ही करें। तो इस प्रकार का सैन्य बल दुर्योधन के राज्य में है, तो ये इस माध्यम से वनेचर उनको सचेत करना चाहता है युधिष्ठिर को कि आपको भी उतनी ही पूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध में आपने जिन सैनिकों से आपका सामना होगा वो सामान्य सैनिक नहीं है, वो बहुत ही दुर्योधन के प्रिय सैनिक है और उसका हित चाहने वाले सैनिक है। तो ये सचेत करने के लिए वनेचर जो कुछ भी देख कर आया है वो उसके सामने युधिष्ठिर के सामने बता रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ शब्द है जिनको जानना बहुत ही अनिवार्य है, जैसे महोजसो है, तो महोजसो तो महत ओजह ये शाम ते, ओजह ओजस शब्द है जो नपुंसक लिंग है, इसलिए महत का प्रयोग किया गया, और ये जो है हमारे सामने बहुव्रीहि समास का पद है। इसी प्रकार से मान धना भी, मानम मान धनम ये शाम ते, मान अर्थात स्वाभिमान जिनके लिए धन है, और धन अर्चिता होता है धन ही अर्चिता, अर्थात धन से जो संतुष्ट किए गए हैं। अब अर्चिता शब्द अर्च धातु से तो प्रत्यय लगकर बना है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, और धनुर्भृता जो शब्द है वो धनुर और भृत भ्री धातु से क्विप प्रत्यय लगकर और धनुर्भृत शब्द बनता है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में धनुर्भृता रूप बनता है। इसी प्रकार से लब्ध कीर्तयः, तो लब्ध कीर्तयः मतलब लब्धा कीर्ति ही यही, अर्थात जिनको यश प्राप्त है, ये सैनिकों के लिए है, सैन्य बल के लिए है, धनुर्भृता के लिए है, इसलिए ये भी हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और यह एक पद है न संगता, तो यहाँ पे न और संगता में समास, अगर हम नए समास करते हैं तो आप सब जानते हैं कि नए समास करने से न लोपो नया से न का लोप होना चाहिए था, तो असंगता प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये समास सह सुपा सूत्र द्वारा या सुप सुपा सूत्र से हुआ है, जिसमें कि न और संगता का समास होने से न का लोप नहीं होता, और संगता समुपसर्ग हन धातु से त प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार से न और भिन्न वृत्तया दोनों में समास वैसे ही है, और भिन्न वृत्तया अगर हम इसका विग्रह करें तो भिन्ना वृत्ति ही ये शामते, जिनका आचरण भिन्न होगा विरोधी होगा वे सैनिक, और न भिन्न वृत्त जिनका आचरण विरोधी नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे वांछन्ति असुभि ये संधि किया हुआ पद है, जिसमें वांछन्ति और असुभि इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है, और इको यणचि सूत्र से ई के स्थान पर यह करके यह वांछन्ति असुभि बनता है। इसी प्रकार से समीहितुम समुपसर्ग इह धातु और तुमुन प्रत्यय लगाने पर समीहितुम बनता है।
अब हम आगे जो श्लोक संख्या 20 है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये बता चुके हैं कि राजा ने अपने सभी विरोधी राजाओं के सब गतिविधियों को जानने के लिए नियुक्त अपने गुप्तचर नियुक्त किए हुए हैं। दूसरा, जो उसके प्रिय हैं राजा, जो उसका हित चाहते हैं, उनको भी वो समय समय पर प्रसन्न करता रहते हैं। तो ये यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो दूसरे राजाओं के विषय में तो पूरे रूप से जानकारी रखता है, और उसके अपने जितने भी क्रियाकलाप हैं वो कितने गुप्त रहते हैं वो इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलेगा। और वो श्लोक इस प्रकार है, मही भृताम सच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेद निःशेषमशेषित क्रियाः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभि प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। तो यह कवि ये कह रहे हैं वनेचर के माध्यम से कि जो दुर्योधन है वो उसके लिए स शब्द का प्रयोग किया गया, स मीन्स वह, तो वह जो है वो कैसा है, अशेषित क्रियाः, अर्थात जिसने अपनी सारी क्रियाकलापों को अशेषित, शेषित मीन्स शेष छोड़ा है, अशेषित मीन्स पूरा कर लिया है। तो जिसने अपने सारे कार्यों को, सारे कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, ऐसा स मीन्स ऐसा वह अर्थात दुर्योधन। तो वो दुर्योधन क्या करता है कि महीम बिभ्रति इति, जो पृथ्वी को पर शासन करते हैं, पालन करते हैं, अर्थात जो अन्य राजा है, तो दूसरे जो उसके और अन्य राजा है आसपास के, तो उनके विषय में आया मही भृता मिस राजाओं के क्रिया क्रियाकलापों को, गतिविधियों को निशेषम पूर्ण रूप से, समग्र रूप से सच्चरितई, अपने अच्छे चरित्र वाले, सत और चरित, सत मीन्स होता अच्छा, चरित मीन्स आचरण चरित्र, तो अच्छे चरित्र वाले चरई, चर मीन्स गुप्तचर, गुप्तचरों के द्वारा वेद जान लेता है। जो राजा दुर्योधन है वो जो उसके आसपास के राजा है उनकी क्रियाकलापों की पूरी जानकारी रखता है, अपने सारे काम उसने पूरे कर लिए, सारे क्रियाकलाप उसने संपूर्ण करने के बाद आसपास के राजा क्या कर रहे हैं ये जानकारी भी उसको लगता है कि बहुत अनिवार्य है एक राजा के लिए। तो उसके लिए उसने अपने ऐसे ऐसे गुप्तचर नियुक्त किए हैं जो सच्चरित है। देखिए सच्चरित बहुत आवश्यक है गुप्तचरों के लिए, क्योंकि गुप्तचर हमेशा राजा की आंख होते हैं, और अगर उनका चरित्र अच्छा नहीं होता तो कोई भी उनको उनको जो है घूस इत्यादि के द्वारा या प्रलोभनों को देकर अपनी सही बात जो है राजा तक ना पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, और अगर चरित्र सही है तो वो व्यक्ति जो है कभी भी उनके बहकावे में नहीं आएगा। इसलिए दुर्योधन ये जानता है, इसलिए उसने ऐसे गुप्तचरों को अन्य राजाओं की गतिविधियों की जानकारी के लिए नियुक्त किया है, और उनकी जानकारी संपूर्ण रूप से दुर्योधन को प्राप्त होती रहती है। और अब उसके क्रियाकलाप दूसरे नहीं जान पाते, ये अगली दो पंक्तियों के माध्यम से बताया गया कि महोदय मीन्स महान उन्नति वाले, दूसरा हितानुबंधी भी, हितानुबंधी मीन्स हित करने वाले, फलई फलों के द्वारा, धातु इव धाता विधाता को कहते हैं, विधाता अर्थात ब्रह्मा, और धातु इव विधाता के समान तस्य इहितम उसकी इच्छा का, इहितम इस इच्छा का प्रतीयते पता चलता है, ज्ञान होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो फल प्राप्त होता है, जो भी कार्य दुर्योधन अपने राज्य में अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के संरक्षण के लिए जो कार्य करता है, जो योजनाएं बनाता है, वो कैसी योजनाएं हैं, वो उनका पता कब चलता है, जब फल सामने आता है। राजा ने कब कौन सा काम प्रजा हित के लिए किया है या शत्रु को अपने से दूर रखने के लिए किया है, इसकी जानकारी तो किसी को नहीं होती है, लेकिन पता तब चलता है जब हितकारी और उन्नतिदायक फल सामने आते हैं, तब पता चलता है कि दुर्योधन
अपने प्रजा के हित कार्यों में किस प्रकार से संलग्न है। तो यहाँ पे ये बहुत आवश्यक है कि दूसरों शत्रुओं के या अन्य राजाओं की गतिविधियों को जानकर और अपनी गतिविधियों को गुप्त रखते हुए उसके द्वारा जब अच्छा फल प्राप्त होता है तो प्रजा कल्याण जब होता है तो उसी से सब लोगों को पता चलता है कि ये हमारे राजा ने ये सब कार्य किए होंगे। अन्यथा क्या होता है कि कोई भी जो है उसमें बाधा डाल दे तो वो जो भी कार्य वो करने जा रहा है उसमें सफलता ना मिले। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर उदाहरण हमें दिया, एक तुलना की गई है उपमा अलंकार के माध्यम से कि जिस तरह से विधाता के जो कार्य है वो कोई नहीं जान सकता। वो कब पता चलता है? जब फल प्राप्ति होती है। अगर हमें अच्छा फल मिलता है तो हमें लगता है कि विधाता जो है वो हमसे प्रसन्न है, इसलिए हमें शुभ फल प्राप्त हो रहा है, हमने अच्छे काम किए थे इसलिए हमें अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। और अगर हमें खराब फल मिलता है तो हम कहते हैं कि हमने बुरे कार्य किए थे और ये फल देने वाले विधाता ही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में बताया। इसी प्रकार की बात कालिदास ने भी अपने रघुवंश में राजा दिलीप के गुणों का वर्णन करते हुए बताया था कि उसने जो जो फल प्राप्त होता है उसका पता तब चलता है उसके राज्य में जब पूर्व जन्म में हमने क्या कार्य किया था वो फलों से प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार का भाव हमें इस पद्य में भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक जो शब्द है वो मैं जो बताना चाहूंगी बहुत आवश्यक है जानना, वेद। वेद क्रियापद है लेकिन ये लटलकार में है, जबकि ये लिटलकार का प्रयोग इसे माना जा सकता है क्योंकि लिटलकार में नल प्रत्यय लगता है। तो यहाँ विद धातु लटलकार में भी हम नल प्रत्यय लगाते हैं, सूत्र है विदो लटो वा। तो यहाँ वास्तव में प्रयोग लटलकार का है, वर्तमान काल का। लिटलकार भूतकाल का होता है, उसके बाद तिप को नल आदेश करने पर प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। इसी प्रकार से अगला जो है उस श्लोक के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब राजा जो है दुर्योधन, ठीक है उसने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं अपने राज्य में, तो क्या कारण है, क्या उसने स्वयं भी कभी इसमें भाग लिया है कि प्रजा को सही रास्ते पर लाने पर? तो ये बताया गया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगला जो श्लोक मैं बताने जा रही हूँ उसमें स्पष्ट शब्दों में ये बताया जा रहा है कि दुर्योधन को कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी स्वयं जाके धनुष उठाए और किसी को दंड दे, और ना ही उसको किसी पर क्रोध करने की आवश्यकता भी पड़ी है। तो क्या वजह है, क्या कारण है कि उसकी आज्ञा उसके राज्य में जो या राज्य के जो आसपास के राजा है वो मानते हैं? तो देखिए ये पद्य मैं आपके सामने रख रही हूं और ये पद्य है, न तेन सज्यम क्वचिदुद्यतम धनु कृतम नवा क्रोध विजिम्बम आननम गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर माल्यमिवास्य शासनम। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दुर्योधन की आज्ञा जो दूसरे राजा है वो कैसे मानते हैं। देखिए आज्ञा मनवाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, हम किसी को मार कर, किसी को डांट कर, किसी को दंड देकर आज्ञा को मनवाना, ये भी एक काम होता है। लेकिन इस प्रकार से कोई किसी की आज्ञा मानेगा तो क्या वो उसके प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा या कोई भाव इस प्रकार का अच्छा भाव नहीं हो सकता। लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं है, उसके लिए बताया कि दुर्योधन ने न तेन, तेन मीन्स उसके द्वारा, क्वचित कहीं पर भी, सज्यम, सज्यम शब्द जो है ये बड़ा रोचक शब्द है। सज्यम होता है ज्यया, स मीन्स सह, ज्यया ज्यास को कहते हैं, ज्या मीन्स होता है प्रत्यंचा और तृतीय विभक्ति में ज्यया शब्द बनता है क्योंकि सह है इसमें। तो ज्यया सह या समास, जब हम समास करते हैं तो सज्य शब्द बनता है, इसका अर्थ है प्रत्यंचा सहित, अर्थात जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, प्रत्यंचा से युक्त। प्रत्यंचा का अर्थ है डोरी, ये धनुष के ऊपर जो डोरी लगाई जाती है उसके लिए आया। तो इसमें बताया कि तेन, तेन मीन्स उसके द्वारा, क्वचित कहीं पर भी, सज्यम धनु, सज्यम प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष, ना उद्यतम प्रयोग नहीं किया गया। दुर्योधन ने कभी भी प्रत्यंचा चढ़ाकर
अपना जो धनुष है उसका उसको किसी पर प्रयोग नहीं किया, उसे धनुष चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखिए ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य का वाक्य है, इसमें तेन जो है वो कर्मवाच्य में कर्ता के लिए आया है उसके द्वारा, और धनु जो है वो कर्म है, और वो कर्म में जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, कर्ता में तृतीया है, और उद्यतम ये जो है क्त प्रत्यांत रूप है, क्योंकि हमें हम जानते हैं कि क्त प्रत्यांत जो है भूतकाल में ये कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर हम इसको कर्तृवाच्य में भी लिख सकते हैं कि उसने ज्या सहित या प्रत्यंचा युक्त धनुष को कभी भी चलाया नहीं है, प्रयोग नहीं किया। दूसरा वाक्य जो है दूसरी पंक्ति उसमें, और वाह वामिस अथवा क्रोध विजिम्म आननम, क्रोध के कारण जिम्म, विजिम्म होता है कुटिल, टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, तो कुटिल आनन, आनन शब्द का अर्थ होता है मुख, ना कृतम नहीं बनाया, आनन मीन्स आकृति, मुख की आकृति। तो यहाँ दूसरी पंक्ति में बताया कि अथवा क्रोध के कारण कुटिल आनन मीन्स मुख को ना कृतम नहीं बनाया। तो देखिए यहाँ पे बताया, एक तो देखिए या तो उसको धनुष का प्रयोग करके करना होगा, वो तो उसको नहीं करना पड़ता, उसके अतिरिक्त और क्या होता है कि किसी को क्रोध दिखाकर अपने क्रोध में आकृति के द्वारा डराकर काम कराया जाता है, तो वो भी नहीं है। उसके लिए बताया कि उन्होंने कभी भी क्रोध के कारण अपने मुख की भंगिमा को किसी प्रकार से भी कुटिल नहीं बनाया, जिससे कि किसी को ये ज्ञात हो कि राजा जो है वो किसी पर क्रोध कर रहा है, अर्थात उसने कभी भी गुस्से से क्रोध से अपना काम करवाने के का प्रयत्न नहीं किया। तो क्या कारण है जिससे कि सभी राजा उसकी आज्ञा का पालन करते थे? तो इसमें बताया कि गुणानुरागेण, गुणा अनुरागेण, गुण अनुराग, गुण मीन्स गुणों के प्रति, अनुरागेण, अनुराग मीन्स प्रेम, तो अनुरागेण मीन्स प्रेम होने के कारण, किसके गुणों के कारण, राजा दुर्योधन की बात चल रही है तो उसी के गुणों की बात कर रहे हैं कि उसके गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण, अस्य शासनम, अस्य मिस उसके, शासन मिस आज्ञा, नराधिपय, नराधिपय मिस राजा, तो राजाओं के द्वारा, माल्यम इव, माला के समान, माल्य माल्यम इव, माला के समान शिरो भी उह्यते, सिरों पर धारण की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसकी आज्ञा जो है वो राजा किसी भी दंड के कारण या किसी राजा के क्रोध के कारण नहीं, अपितु दुर्योधन के गुणों के प्रति उनके अंदर अनुराग है, क्योंकि वो उसने इतने अपने अंदर गुणों का विस्तार कर लिया है कि वो उसके गुणों के प्रति, उनके मन में उसके प्रति अनुराग पैदा हो गया है, इसलिए जो भी आज्ञा शासन जो आज्ञा देता है तो उसकी आज्ञा को सब ऐसे अपने सिरों पर धारण करते हैं, शिरोधार करना भी स्वीकार करना, जैसे कि कोई माला को स्वीकार करता हो, माला कोई भी पहनना, पुष्प माला जब आदर के साथ किसी को पहनाई जाती है तो सब उसको बड़े ही सम्मान से धारण करते हैं, इसी तरह से उसकी आज्ञा को बोझ समझ के नहीं अपितु सम्मान समझ के सभी राजा उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पे जो एक शब्द बड़ा सुंदर यहाँ दिया, क्योंकि हमने देखा भारवी जो है उनका अर्थ गौरव विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और वो क्या होता है कि वो श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, श्लिष्ट पदों का प्रयोग करके उनका अर्थ में गौरव आ जाता है। जैसे यहाँ कहा कि गुणानुरागेण, गुण अनुराग, तो यहाँ पे गुण शब्द जो है वो यहाँ एक तो गुणों के लिए आया है, एक जो है धागे के लिए, डोरी के लिए भी आता है, गुण मीन्स धागा जिसमें माला पिरोई जाती है, और गुणों के अनुराग, अनुराग शब्द का एक तरफ तो अर्थ होता है कि प्रेम, और एक तरफ अनुरंज मतलब जुड़ना, तो डोरी में जिस प्रकार से फूलों को जोड़कर और डोरी से जुड़ी हुई जो माला है वो जिस तरह से अगर सिर पे डाली जाए तो वो बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वीकार की जाती है, उसी प्रकार से गुणों के प्रति अनुराग के कारण आज्ञा को भी सभी शिरोधार्य करते हैं। तो देखिए मित्रों, अभी इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था कि दुर्योधन के राज्य में
जो उसका सभा का जो आंगन है वो अन्य राजाओं के जो उपायन है, उपहार है, जो उपहार स्वरूप हाथी भेंट करते हैं उनसे गीला हुआ है, उनके मदजल से। तो यह भी यही बात है कि उपहार स्वरूप यदि कोई लेके आता है तो वो कभी भी किसी दंड या किसी डर से नहीं लाएगा कोई राजा। क्यों लाएगा? क्योंकि वो उस राजा के गुणों से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो उसी बात को इस रूप में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सज्यम, जैसे मैंने कहा सह जया, तो यहाँ पे तेन सहेति तुल्य योगे, ये सूत्र से यह समास हुआ है। और उसके बाद क्वचित और उद्यतम, इसमें दो पद हैं। उद्यत शब्द जो है ये बना है उत उपसर्ग पूर्वक यत धातु से एक त प्रत्यय लगकर बना है। इसी प्रकार से यहाँ पे कोप विजिम्भम आननम, तो यहाँ पे कोपेन विजिम्भम, कोप विजिम्भम और कोप विजिम्भम प्लस आननम, कोप विजिम्भम आननम बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पे उह्यते जो शब्द है शिरोभिर उह्यते, तो यह शिरोभि और उह्यते, ये उह्यते क्रियापद है, वह धातु कर्मवाच्य में प्रयोग है और वह को संप्रसारण उ होकर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसी प्रकार से यहाँ पे नराधिपैर माल्यमिवास्य, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें पहले तो समास है नराणाम अधिपै, नराधिपै बनता है, उसके बाद नराधिपै ही माल्यम, ये अलग हो जाएगा, संधि हो जाएगी नराधिपैर माल्यम, और उसके बाद माल्यम इव है, और उसके बाद माल्यम इव और अस्य, इव और अस्य में जो है दीर्घ संधि होकर पूरा का पूरा पद समस्त पद बन जाता है। इसी प्रकार से शासनम, शास धातु से लिट प्रत्यय लग के शासनम प्रयोग बनता है। अब हमारे सामने देखिए एक प्रश्न ये आता है कि इतना गुणी हो गया है दुर्योधन, तो क्या राज्य के प्रति, देखिए जैसा हम मानते हैं कि जब व्यक्ति जो है बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लेता है या वो बहुत ही अच्छे कर्म जब करने लग जाता है तब एक प्रकार से उसके अंदर उसके मन में जो इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले दुर्योधन ने राज्य को छीना था जबरदस्ती, क्योंकि उसके अंदर अभी इच्छाएं और उसके अंदर दुर्भावनाएं भरी हुई थी। लेकिन अभी अभी तक हमने जितना अब पढ़ लिया है उससे हमने ये तो देखा कि चाहे वो प्रयास करके ही क्यों ना हो, दुर्योधन जो है वो अपने अंदर अच्छाइयां लाने के में सफल हो चुका है। तो जब एक बार व्यक्ति में अच्छाइयां आ जाती है तब उसके अंदर से सारे दुर्भावनाएं या बुरी इच्छाएं जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उनका क्या प्रभाव हुआ, उसमें जो गुण इतने बढ़ गए हैं उसका क्या प्रभाव हुआ, ये हम अगले पद्य में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो वो पद्य मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। स यौव राज्य नव यौवनोद्धतम निधाय दुशासन मिद्ध शासन मखेश्व खिन्नो नुमत पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम। और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का, जिनके माध्यम से हम महाकवि भारविकृत के इन श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं और इन श्लोकों के माध्यम से उनके पीछे जो अर्थ छुपा हुआ है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, हम अब अपने अगले सेशन में और भी श्लोकों का वर्णन करेंगे। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। We'll be right back.
नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम बताना चाहेंगे, हम महाकवि भारवीकृत के महाकाव्य किरातार्जुनीयम पर चर्चा कर रहे हैं और जिन श्लोकों का वर्णन हमने आपके लिए पिछले सेशन में किया, उम्मीद करते हैं कि आपने उनका अर्थ सफलतापूर्वक समझा होगा। मित्रों, हम बताना चाहेंगे, इस सेशन में हम श्लोक संख्या 22 से लेकर 25 तक पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया पर, उनके माध्यम से इन श्लोकों को सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भाटिया, तो श्लोक संख्या 22 के विषय में मैं बता रही थी आपको कि जब व्यक्ति अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है तो जो भावना उसके मन में आती है वो इस श्लोक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत है कि समीस वे दुर्योधन नव यौवन उद्धतम, नव यौवन से उद्धत, या उद्धत शब्द का अर्थ यहाँ, क्योंकि वो युवक है तो उत्साहित भी हम कह सकते हैं या उद्दंड भी कह सकते हैं, तो नव यौवन के कारण उद्दंड दुशासनम, दुशासन ये दुर्योधन के छोटे भाई हैं, तो दुशासन मीन्स अपने छोटे भाई को यौवराज्य, यौवराज्य मीन्स युवराज के कार्य पर पदभार को क्या करा के निधाए, तो युवराज्य युवराज के पदभार पर स्थापित करके प्रतिष्ठित करके। तो यहाँ पे स के लिए एक बहुत अच्छा सा विशेषण आया इद्ध शासन, इद्ध शासन मीन्स सफल शासन वाला। ये तो हम पीछे सब करते आ रहे हैं कि किस प्रकार से उसकी आज्ञा जो है वो सफल होती है, उसी विशेषण को पुनः यह दिया कि सफल शासन अर्थात आज्ञा वाला वह दुर्योधन उसने क्या किया, तो सफल शासन वाले उसने युवराज पद पर नव यौवनोद्धतम, नव यौवन के कारण उद्दंड या उत्साहित दुशासन को निधाय में प्रतिष्ठित करके, और स्वयं क्या किया, पुरोधसा अनुमता, पुरोहित की अनुमति पाकर, अनुमता आज्ञा पाकर क्या कर रहा है वो, मखेशु अखिन्नो, अखिन्नो मीन्स बिना थके, मखेशु मख कहते हैं यज्ञ, तो यज्ञों में क्या कर रहा है, हव्येन हवि के द्वारा हिरण्यरेतसम, हिरण्यरेतस अग्नि के लिए प्रयोग होता है और इसका हिरण्यम रेता यस्य, हिरण्य में स्वर्ण, रेत में तेज, तो स्वर्णिम तेज वाली कौन, अग्नि, तो अग्नि को क्या कर रहा है, धिनोती प्रसन्न कर रहा है। तो दुर्योधन ने अब क्या किया कि अपने जो राज्य है उस पे ऐसा लग रहा है कि उसने अपना सारा कार्य राज्य से संबंधित जो था वो पूरा कर लिया, राज्य को स्थापित कर दिया पूर्ण रूप से, और अब उसने उसको दुशासन को उस राज्य पर राजकार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया है और स्वयं अपने पुरोहित की अनुमति पाकर और यज्ञों में हवि डालते हुए अर्थात यज्ञ हवन करके वो अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। देखिए, अब है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अब धर्म जो है वो भी बड़ा अनिवार्य है, यज्ञ जो है यज्ञ के कारण तो हमारी सारा जो विश्व है वो प्रसन्न रह सकता है, तो यज्ञो वही सह वो जानता है, इसलिए वो यज्ञ हवन में अब लग गया है। तो ये दुर्योधन का एक और विशेष की और विशेषता है कि अब मुझे क्या है कि अब मुझे अपने प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ हवन में जुट जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, एक जो यह शब्द है अनुमता, तो अनुमता यहाँ पे वास्तव में अनुपसर्ग पूर्वक मन धातु से त प्रत्यय लगकर बना है और अनुमता मीन्स अनुमति पहले पाली है, वास्तव में त जो प्रत्यय है वो दो प्रकार से प्रयुक्त हो जाता है, त प्रत्यय भूतकाल में भी होता है और त प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम इसको वर्तमान काल में समझे तो यहाँ पुरोदशा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वर्तमाने तस्य वर्तमाने सूत्र द्वारा पुरोदशा में षष्ठी होनी चाहिए अगर हम त प्रत्यय वर्तमान अर्थ में माने, लेकिन यहाँ पे त प्रत्यय जो है वो निष्ठा से और तत्वतु निष्ठा और भूतकाल में प्रयुक्त होता है, तो इसलिए यहाँ पे पहले अनुमति प्राप्त करना भूतकाल की बात है, इसीलिए यहाँ पुरोदशा में षष्ठी ना होकर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से धिनोती जो है वो धिन्व धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब जो है अगला जो श्लोक है उसमें ये कहा
कि जितना मर्जी मनुष्य उन्नति कर ले, जितना मर्जी अपने राष्ट्र को स्थापित कर ले, अपनी तरफ से प्रयास कर ले, लेकिन बुराई जो है वो कभी मनुष्य को चैन नहीं लेने देती। क्योंकि दुर्योधन ने राज्य प्राप्ति क्यों कैसे की है, छल पूर्वक की है, न्याय से प्राप्त नहीं हुई है। और न्यायकारी कौन है, न्याय से जो चुपचाप निकलकर चले गए वो कौन है, युधिष्ठिर और अन्य उनके चारों भाई पांचों पांडव। तो यहाँ पे सदा ही जो विजय होती है वो सच्चाई की होती है। और अगर हम ये कहें कि सहानुभूति भी हमेशा सच्चाई की तरफ ही होती है, भले ही कितने ही राजा से लोग संतुष्ट हो, लेकिन राजा अंदर से जानता है, दुर्योधन जानता है कि यद्यपि उसने सब कुछ कर लिया है, अपने राज्य में सबको प्रसन्न कर लिया है, लेकिन फिर भी उसे चिंता है। और वो चिंता क्या है कि युधिष्ठिर जब भी आएगा और जब भी युद्ध करने के लिए आएगा, मुझसे मुकाबला करेगा, तो मेरे को परास्त ये लोग कर देंगे, क्योंकि सत्यमेव जयते ये दुर्योधन जानता है। तो इसी बात को प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से बताया कि यहाँ पे प्रलीन भूपालम, प्रलीन लीन होता है समाप्त हो गए हैं, भूपाल मिस राजा, तो समाप्त हुए राजाओं वाला। और उसके बाद क्या है, स्थिर आयति, और स्थिर आयति मिस भविष्य वाले, आवारिधि, आवारिधि में समुद्र पर्यंत, भुवा मंडलम, पृथ्वी के मंडल पर प्रशासत, शासन करता हुआ। देखिए उसका कोई भी विरोधी राजा नहीं बचा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसका जो राज्य है उसका भविष्य पूर्ण रूप से स्थिर हो गया है, क्योंकि उसकी सैन्य बल, उसके जो कृषक है और अन्य जितने भी उसके राज्य के लोग हैं वो सब उससे बहुत ही प्रसन्न है, और सदा ही सब जो है उसके जो उपाय है वो आगे बढ़ बढ़ कर उसको अधिक से अधिक फल देने के लिए तैयार है। तो स्थिरायति भुवा मंडल, जो उसको पृथ्वी मंडल है जिस पर वो राज्य कर रहा है, वो ऐसे राज्य पर वो शासन कर रहा है। और आवारिधि, ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा राज्य है, जितना समुद्र तक जितनी भी भूमि है उस मंडल पर पूरा वो प्रशासन कर रहा है। तो एक राजा के लिए और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए अगली दो पंक्तियों में क्या बताया कि ऐसा होने पर भी वो चिंतित है। तो शासन करता हुआ भी, प्रशासक अपि, जो ऊपर की पंक्ति में बताया कि शासन करता हुआ, अपि मीन्स भी, स मीन्स वह, त्वद एष्यति, त्वद तुमसे, एष्यति मीन्स भविष्य में आने वाले, भिया, भिया मीन्स डर, डर के विषय में या डर के विषय में चिंतयति एव, सोचता ही रहता है। दुर्योधन शांत नहीं है, दुर्योधन को डर है और चिंता उसको अभी भी है। क्या कि भविष्य में जब भी आप सामने आएंगे तो आपसे पराजित वो हो जाएगा। मैंने अभी भी बताया कि सत्यमेव जयते, तो ये बात दुर्योधन भी जानता है, तो इसलिए उसकी चिंता जो है वो समाप्त नहीं हुई है। तो इसलिए अंत में कहा कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अर्थात बलवान के साथ जो विरोध है, उसके साथ जो शत्रुता है, दुरंता बुरे अंत वाली होती है। भले ही कितना ही समय वो उड़ ले, ऊंचा उड़ ले, प्रसन्न हो ले, प्रजा को प्रसन्न कर ले, राज्य कर ले, लेकिन जब न्याय की बात आएगी तो अंत में क्या होगा, उसका अंत जो है खराब ही होगा। यही सोचकर कि क्योंकि पांच होने पर भी पांडव बलवान है, क्योंकि उनके साथ कृष्ण है और सत्य है, इसलिए वो उससे भारी है। और जब बलवान के साथ मैंने विरोध किया है, और बलवान के साथ विरोध जो है वो दुरंत होता है, बुरे अंत वाला होता है, इसलिए आपसे डरता है वो हमेशा, और उस डर से वो चिंतित रहता है। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, चिंता उसको सताई जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द मैं बताऊंगी कि इसमें जो प्रशासक है ये प्रउपसर्ग पूर्वक शास धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगकर बना हुआ प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पे नुम आगम यहाँ पे नहीं है। इसका कारण है जक्षित्यादया षट सूत्र द्वारा
इसकी अभ्यस्त संज्ञा है, और जब अभ्यस्त संज्ञा होती है तो क्षत्रिय को नुम आगम नहीं होता। इसलिए यहाँ पे प्रशासित शब्द का प्रयोग किया, जैसे पठन, खादन, जागरण, इस प्रकार से न नांत शब्द जो है ये नहीं बना है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में। तो ये बहुत ही एक जानना अनिवार्य है। इसी प्रकार से चिंतयति और एव, इसमें इको यणची से यण संधि होकर चिंतित्येव बनता है। इसी प्रकार भियस्त्वदेश्यति रहो, इसमें देखिए कितने शब्द है, भियः, उसके बाद त्वत, फिर एश्यति और अहो। तो यहाँ पे देखिए एश्यति जो है वो ई धातु से बना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है भविष्यत काल का रूप है, और क्षत्रिय प्रत्यय है, भविष्यत काल में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है लिटा सद्वा, और इसके क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे एश्यति रूप बना है, स्य लगा है, और उसके बाद अहो और दुरंता है, दुरंता। तो बलवद विरोधिता में तत्पुरुष समास है। अब हमारे सामने वही बात जो अभी पिछले पद्य में कही, आगे उसी बात को कह रहा है कि दुर्योधन जो है हमेशा चिंतित रहता है। अब ये पद्य बहुत ही सुंदर है, और ये पद्य जो है द्वयर्थक पद्य है। यहाँ कालिदास के कालिदास नहीं, यहाँ पे भारवी का जो अर्थ गौरव है उसकी पराकाष्ठा हमारे सामने उपस्थित होती है, क्योंकि ये उपमा अलंकार है, और उपमा अलंकार में जो पदों का प्रयोग किया गया वो पद जो है उपमान और उपमेय दोनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये श्लोक जो है वो द्वयर्थक है। तो क्या है श्लोक आपके सामने है, कथा प्रसंगेन जनैर उदाहृता धनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम तवाभिधानात व्यथते नताननः सुदुस्साहान मंत्र पदादि वोरगः। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उपमान है जिसके साथ तुलना की जाती है उस संबंध में इसके पदों के अर्थ को मैं लूंगी। तो इसमें क्या है कि कथा प्रसंगेन, तो कथा प्रसंग जो शब्द है इसका एक अर्थ ये भी होता है विश्ववैद्य, और विश्ववैद्य कौन होते हैं, जो सांप के विष को दूर करने के लिए मंत्र बोलते हैं और जिससे सांप का विष दूर हो जाता है। तो कथा प्रसंग और इन विश्ववैद्यों में इन मिस श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ विश्ववैद्य लोगों के द्वारा जनई, तो पूरा कथा प्रसंगेन जनई कि विश्वविद्या में निपुण लोगों के द्वारा उदाहरितात, अब उदाहरितात मीन्स उच्चारण किए गए, ये मैं उपमान के उसमें ये अर्थ बता रही हूँ आपको कि उदाहरितात मीन्स उच्चारण किए गए, और तवाभिधानात, तवाभिधानात जो है ये शब्द जो है ये भी द्वयर्थक है, इसमें त और व दोनों को अलग किया गया, त व अभिधानात, त का अर्थ है तार्क्ष्य और वामिस वासुकी, ये एक सर्पों की दो जातियां हैं, बड़े ही जो खतरनाक सांप है सर्प है तार्क्ष्य और वासुकी। तो तार्क्ष्य और वासुकी के अभिधानात, अभिधान होता है नाम, तो तार्क्ष्य और वासुकी के नामों से युक्त क्या सुदुस्सहन असहनीय मंत्र के पदार्थ, मंत्र के पद से क्या करता है अनुस्मृत आखंडल सोनू विक्रमा, आखंडल सोनू, आखंडल कहते हैं हम इंद्र को, और इंद्र का सोनू, सोनू शब्द के दो अर्थ होते हैं, सोनू शब्द पुत्र के लिए भी प्रयुक्त होता है और छोटे भाई के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ उपमान के विषय में ये अर्थ जो आएगा कि छोटा भाई, तो वो इंद्र के छोटे भाई कौन विष्णु, तो इंद्र के अनुज अर्थात छोटे भाई विष्णु के वी, वी और क्रम, ये विक्रम शब्द है, इसको हम यहाँ पर इस अर्थ को लेने के लिए उपमान के प्रसंग में इसको हम अलग अलग करेंगे, वी और क्रम को अलग करेंगे, और वी शब्द का अर्थ होता है पक्षी, तो इंद्र के भाई विष्णु का पक्षी कौन है गरुड़, तो यहाँ पक्षी अर्थात गरुड़ के क्रम, क्रम का अर्थ होता है आक्रमण या उसका प्रहार, तो अनुस्मृत में स्मरण करता हुआ। तो क्या इंद्र के छोटे भाई विष्णु के
पक्षी अर्थात गरुड़ के पराक्रम का स्मरण करता हुआ क्या कर रहा है, नत आननः, मुख नीचे किए हुए क्या है, उरगा इव, सांप के समान, उरग सांप के समान क्या कर रहा है, सांप के समान। अब इसी को अब आगे में किसके लिए ये प्रयुक्त, अब दूसरा उपमेय क्या है, उपमेय किसके लिए है, दुर्योधन के लिए। तो अब दुर्योधन के लिए भी इन सभी शब्दों का अर्थ लगाऊंगी तब ये पूरा वाक्य एक अर्थ दे देगा द्वयर्थक। तो सांप के समान अब मैं जो भी करने जा रही हूँ वो दुर्योधन के पक्ष में जो उपमेय है उसके पक्ष में अर्थ होगा। तो पहला जो शब्द था कथा प्रसंगेन, ये कथा प्रसंगेन मीन्स वार्तालाप के प्रसंग में, कथा प्रसंग का एक अर्थ ये भी होता है। तो वार्तालाप के प्रसंग में जनई, जो लोग हैं जो उसके राज्य में सभा में बैठे हुए या राज्य के लोग हैं उनके द्वारा उदाहरितात, उदाहरितात मीन्स बोले गए क्या, तब अभिधानात, तब अभिधानात मीन्स तुम्हारे नाम के कारण, तुम्हारे या तब, तब इकट्ठा कर लिया हमने, और तब जो है युष्मत शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप है, और तब का अर्थ होता यहाँ तुम्हारे अर्थात दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ कि तुम्हारे तब अभिधाना, तब सॉरी यहाँ युधिष्ठिर के लिए बोला कि तब मीन्स तुम्हारे अभिधानात मीन्स नाम के कारण क्या कहता है, अनुस्मृत आखंडल सोनू विक्रमा, अखंडल सोनू, यहाँ पे अब फिर से अर्थ दूसरा अर्थ लिया जाएगा, अखंडल मतलब इंद्र, सोनू का मतलब है पुत्र, तो इंद्र का पुत्र अर्जुन, और विक्रम शब्द को भी हम एक साथ ले लेंगे, विक्रम मीन्स पराक्रम, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का अनुस्मृत स्मरण करता हुआ क्या कर रहा है, नत्ताननः, मुख नीचे करके व्यथते, दुखी होता है। तो यहाँ पे देखिए दो अर्थ हैं और उन अर्थों में कितना सुंदर साम्य और कितना सुंदर उन्होंने एक ही पद को दो दो जगह प्रयुक्त करके बताया कि देखिए अब मैं इसको आपको व्याख्या करते हुए अलग अलग करके बताऊंगी कि देखिए एक सांप के लिए आया है कि जब सांप के विष को दूर करना होता है तो जो विष वैद्य होते हैं वो कुछ मंत्र, एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस मंत्र के अंदर तारक्ष्य और वासुकी नामक दो सर्पों के नाम लिए जाते हैं, और जैसे ही तारक्ष्य और वासुकी इन दो सर्पों का नाम उस मंत्र में लिया जाता है तो जिस सर्प के विष को दूर करना किया जाना है वो उस सर्प को उन मंत्र के पद से क्या याद आ जाता है, विष्णु के जो पक्षी गरुड़ है उसका आक्रमण, उसका जो है प्रहार याद आ जाता है, क्योंकि सांप जो है उसका शत्रु है गरुड़, गरुड़ जो है पक्षी सांप को एकदम से उस पर प्रहार करके उसको मार देता है, उसके विष को भी नष्ट कर देता है। तो जैसे ही उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वो उस विष्णु के पक्षी के पराक्रम का या प्रहार का स्मरण करने लग जाता है, उसे याद आ जाती है और वो एकदम से मुख नीचे कर लेता है और वो दुखी हो जाता है, और वो दुखी हो जाता है इसका मतलब है कि अपने विष जो है अपने आप उस मंत्र के जाप से उसका निकल जाता है। तो ये जिस तरह से जो सांप है वो तो बहुत ही बलशाली होता है, उसके अंदर तो इतना विष होता है कि वो उस विष छू जाए तो नाश कर देता है, तो वो भी उस गरुड़ के प्रहार को जैसे ही याद करता है किसी विश्व वैद्य के द्वारा मंत्रोच्चारण में तो वो भी व्यथित होता है, दुखी होता है। इसी प्रकार से जो दुर्योधन है उसको वो भी बहुत दुखी है। कैसे दुखी है कि जब भी कभी बातचीत चलती है, क्योंकि जो युधिष्ठिर है कभी भी बातचीत के प्रसंग में उसका नाम तो कभी ना कभी प्रजा के मुख पर आएगा ही ना, तो किसी भी के मुख पर अगर नाम आता है दुर्योधन का, अर्जुन का, उसका युधिष्ठिर का, तो होता क्या है कि दुर्योधन को अर्जुन के पराक्रम की याद आ जाती है, क्योंकि अर्जुन सबसे पराक्रमी है, योद्धा है सर्वश्रेष्ठ, और वो जब उसको याद आती है तो उसे लगता है कि जब अर्जुन प्रहार करेगा, अर्जुन आक्रमण करेगा तो हमारी सेना जो है वो उसका नाश अनिवार्य है, इसलिए उसको जैसे ही अर्जुन के याद आती है, उसके पराक्रम की याद आती है तो वो नीचे मुख करके एकदम से दुखी होकर रोने लग जाता है। तो एक सर्प जितना मर्जी बलशाली हो वो भी दुखी होता है, और इधर जो है वो दुर्योधन भी जितना अधिक बलशाली है, जितना अधिक उसने अपने राज्य को सुदृढ़ किया है, तुम्हारा नाम आते ही उसे अर्जुन के पराक्रम का स्मरण आ जाता है और वो दुखी रहता है। तो उसकी चिंता का जो कारण पहले बताया कि चिंतित रहता है, उसका
यही कारण है कि उसे अर्जुन और युधिष्ठिर इत्यादि सभी पांडवों के पराक्रम का एकदम से स्मरण हो आता है। तो यहां देखिए जो पदों का जो विग्रह है वो मैंने दिया हुआ है ऐसे, इसमें अनुस्मृत अखंडल सोनु विक्रम, इतना बड़ा जो शब्द है उसमें क्या है, अनुस्मृता अखंडल सोनु विक्रम येन सह, अर्थात जिसको अखंडल सोनु इंद्र के पुत्र के पराक्रम का स्मरण आ गया ऐसा वह। तो ये बहुव्रीहि समास है और अखंडल सोनु का अर्थ होता है अखंडलस्य सोनु, अखंडल अर्थात इंद्र, तो इंद्र का पुत्र, और उसके बाद अखंडल सोनोह विक्रम, अखंडल इंद्र के पुत्र का विक्रम इस पराक्रम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। और इसी प्रकार से देखिए तवाभिधारात शब्द मैंने अभी आपको बताया, और मैंने बताया कि इसके दो अर्थ हैं, तो एक अर्थ तो तव प्लस अभिधानात, इस प्रकार से करने पर षष्ठी तत्पुरुष है तवाभिधानात, इसी समा उसकी संधि की हुई है तव और अभिधानात में। और जब हम इसको उसके पक्ष में सर्प के पक्ष में अर्थ लेते हैं तो यहाँ पे ता और व तव बनता है, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाता है तश्च वश्च, ता और व तार्क्ष और वासुकी, और बन गया तवौ, और यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया, और फिर तवयोः, यहाँ पे षष्ठी एक वचन में होगा तवयोः अभिधानम यस्मिन, जिसमें तार्क्ष और वासुकी का नाम लिया गया हो तो उसके लिए आया है, तो ये बहुव्रीहि समास है। और व्यथते व्यथ धातु आत्मनेपदी है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप चलता है। अब जो है जो श्लोक है श्लोक संख्या 25, अब वनेचर ने आके उनको सब कुछ बता दिया, पूरा सत्य सत्य बता दिया, आरंभ में ही उसने कह दिया था कि मैं कुछ बात नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि एक गुप्तचर एक दूत का काम ये होता है कि अगर वो सचमुच में अपने राजा के लिए उसकी भलाई चाहता है तो वो उसे जो कुछ भी बताए पूरा सही सही बताए। तो अब उसने बता दिया कि राज्य उसने सब सुदृढ़ कर लिया है, और उसने लेकिन फिर भी वो आपसे डरा हुआ है, वो पूरे तरह से चिंतित है, अब आगे आपको करना क्या चाहिए। देखिए वनेचर का तो उसकी तो जितना उसका अधिकार में होता है वो तो उतनी ही बात कहेगा ना, तो यही बात वो आगे वनेचर बताता है कि मैंने जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया, क्योंकि मेरा तो इतना ही मेरे अधिकार में आता है, अब आगे जो भी करना है वो आपको करना है। तो यहाँ जो श्लोक संख्या 25 है इसको मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, वनेचर क्या कहता है कि तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्मम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह। अब वो कहता है कि युधिष्ठिर को देखिए एक मर्यादा भी होती है, वो इतने बड़े महान राजा हैं, उनके सामने किस तरह से ये कहना कि आप ये करिए महाराज, तो ये उचित नहीं होता। तो देखिए उन्होंने क्या किस तरह से कह रहा है, कहता है कि त्वयि त्वयि मीन्स आपके प्रति जिम्हम कर्तुम, जिम कुटिलता को कहते हैं, कुटिलता को या दुराचार को, कर्तुम इस करने के लिए उद्यते, उद्यते मीन्स तैयार, तत्पर क्या, तत्र तत्र मीन्स उसके विषय में, किसके विषय में, उसके दुर्योधन के विषय में ये बता रहा है, ये मैं अभी व्याख्या में बताऊंगी, ये अनुवाद में ये होगा कि त्वयि मीन्स तुम्हारे प्रति, जिम्हम मीन्स कुटिलता को, कर्तुम मीन्स करने के लिए, उद्यते मिस उद्यत अथवा तैयार, तत्र मिस उसके विषय में, क्या करो, विधेयम उत्तरम, विधेयम विधेयम मिस देने योग्य, उत्तरम उत्तर, आशु जल्दी से विधियेताम दीजिए, तत्मिस तो मतलब अब यह तो का अर्थ जो पीछे बोल चुका हूं मैं, तो मैंने आपको बताया है, तो अर्थात इसलिए आपके प्रति कुटिलता करने के लिए उद्यत जो तत्र उसके विषय में आप विधेयम उत्तरम देने योग्य उत्तर को विधेयता मिस कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए। आगे बोलता है कि पर प्रणीतानी वचांसी चिन्वताम, कहते हैं कि पर प्रणीत दूसरों के द्वारा बताए गए, वचांसी वचांसी मिस वचनों को, चिन्वताम चुनने वाले,
मादृशम, हमारे जैसे लोगों की गिरा, गिरा मीन्स जो वाणी है, वाणियां है, वो प्रवृत्ति सारा खलु, खलु मीन्स निश्चय रूप से प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति सारा मीन्स होता है कि एक बताना मात्र होता है, वर्णन मात्र होती है। तो यहां देखिए, इसने जो आपके सामने, हमारे सामने ये जो बता रहा है वनेचर, वो ये कहता है कि आपने देख लिया कि दुर्योधन आपके प्रति कुटिलता करना चाहता है। अब आपको उत्तर जो है उसके बदले में आपको करना क्या है, वो आपको करना है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि आप जल्दी कीजिए, आपको उत्तर देना अनिवार्य है, क्योंकि षठे शाठ्यम समाचरित, अगर जो शठता करता है, दुष्टता करता है, उसके प्रति अगर हम सही समय पर उचित उसी की भाषा में अगर उत्तर नहीं देंगे तो वो व्यक्ति जो है वो हमें परास्त कर देगा। तो इतनी बात बस केवल जो युधिष्ठिर को वो कह सकता है, उसको पता है कि मेरे अधिकार में इतना ही आता है, इसके अतिरिक्त मैं कोई आश्वासन करना उनको या उपदेश देना वो उसके अधिकार में नहीं है। बस इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, उस कुटिलता के आचरण का जवाब या उत्तर दीजिए। अब अगली दो पंक्तियों में जो वनेचर है वो कहता है, वो ये कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं जो है सलाह दे सकता, उपदेश दे सकता कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा दूत हूं और मैंने पहले ही बताया कि मैं तो केवल आपसे ही सीखा है थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, क्योंकि हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, राजनीति को नहीं जानते। इसलिए यहां वो कहता है कि हम जैसे लोगों का काम क्या है, तो क्या है कि हम तो केवल पर प्रणीतानी वचांसी चिन्हवताम, मतलब कि जो जो वहां पे लोग हमें बताते हैं, गुप्तचर हूं मैं, मैंने मुझे आपने नियुक्त किया है और हमारा काम है उनके राज्य में जाके उनके राज्य के बारे में, गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। और वो जानकारी कहाँ से मिलती है, जो लोग आपस में बात करते हैं या जो कुछ किसी के साथ चर्चा होती है, तो उस चर्चा के माध्यम से हम जो सब कुछ चुन के लाते हैं, उसमें से हम, ये नहीं कि जो भी जो कुछ बताता है उसमें से हम चुन लेते हैं कि कौन सी बात जो है हमें राजा को जाकर बतानी है और जो काम बात जो है वो हितकारी होगी, तो ये हम चुनकर वहां से लाते हैं, चुन चुन कर लाते हैं, हमारा तो यही काम है। परमिस दूसरों के द्वारा, प्रणीतानी मिस कहे गए वचांसी मिस वचनों को, चिन्हता मिस चुनने वाले कौन, हम जैसे, मादृशा मिस हम जैसे लोगों की गिरा जो वाणी है, हमारी वाणी जो है वो केवल मात्र क्या है कि समाचार मात्र देने वाली है, हम इससे आगे कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें कुछ इस प्रकार से उचित जानकारी भी नहीं है और ये उचित शिष्टाचार भी नहीं होगा कि आप जैसे महान राजाओं के सामने मैं ये अपनी बात करूं कि नहीं महाराज आपको इस प्रकार से करना चाहिए। तो वनेचर, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वनेचर एक सच्चरित्र और बड़ा ही सुव्यवस्थित मनुष्य है, व्यक्ति है, और वो अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमा और अपने कर्तव्य को जानता है, इसीलिए वो किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। और यही पे वनेचर की उक्ति हमारी समाप्त भी होती है, इसलिए समाप्ति के ऊपर, समाप्ति पर भी वो यही कहना चाहता है कि मेरा अधिकार जितना था मैंने आपको बता दिया, अब इस अधिकार को जो मेरे अधिकार के बाद जो आपका अधिकार है वो अब आपको तुरंत ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो 1 से 25 संख्या जो श्लोक है उनके माध्यम से जो दुर्योधन के राज्य का किस प्रकार से संचालन हो रहा है, किस प्रकार वो प्रयत्न कर रहा है युधिष्ठिर को हराने की, ये पूरी जानकारी दी गई है यहाँ पे युधिष्ठिर को अज्ञातवास में रहते हुए। तो ये बहुत ही सुंदर और भारवी का अर्थ गौरव है, गौरवपूर्ण अर्थ में उन्होंने बहुत सारी ऐसी राजनीति संबंधी, धर्म अर्थ काम मोक्ष उपाय संबंधी बहुत सारे हमें जो जानकारी, जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की गई है। धन्यवाद। परम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया के, जिनके माध्यम से हमने आज श्लोक संख्या 25 तक इस व्याख्यान को पूर्ण किया। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अपने प्रश्न ज़रूर हमें लिख भेजें info.cec@nic.in पर। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी और एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।